हेलो मामा जान, क्या कर रही हैं आप? यहाँ से खड़ी थी। देखिए कैसे मैंने आपको कैच किया है। एंड जेन को देखें आप जरा कि जेन क्या कर रहा है। एंड दुआ क्या कर रही है? ओके मामा, आप क्या उसमें यह देखने के लिए ये मैं आपको भी दिखाती हूँ। जरा इधर आ जाए। ये मैंने मैंगो लगाया। ये देखिए मेरी मैंगो कटरी। वाह, इस ये मैंगो देखिए ये मैंगो है। और ये अवोकाडो का लगाया मैंने, ये देखिए। और ये मिर्चे लगी हुई है, वो नीचे भी मिर्चे हैं। That's nice. और वो खजूर का लगाया हुआ, वो नीचे खजूर लगी हुई। ओ ये वाला, ये खजूर है। ओ वाह, लगा दिया मैंने। लेकिन देखे खजूर कैसे बनती है। पर अभी मैं ना इस मैंगो, अपने जो मेरा ट्री है ना, मैंने बड़ी नाजुक तरीके से इसको पाला और इतना बड़ा ये हुआ है। लेकिन ये ना अब इसको यहीं रखूंगी, इसी कमरे में रखूंगी, क्योंकि ये गर्म है, इसे बाहर नहीं निकालना। जब जरा सा ये बड़ा हो जाएगा ना, इसका तना जैसे हो जाएगा तकरीबन आप के इंच, एक इंच का हो जाएगा, फिर मैं इसको बाहर लगाऊंगी। अभी मैंने इसको बाहर लगाना, अभी ये अंदर ही ग्रो होगा। तो आपने और क्या गार्डन में लगाया हुआ है? और मैंने ये लगाए, स्ट्रॉबेरी लगाई हुई हमने। स्ट्रॉबेरी पड़ी थी हमारी तो खाली खत्म हो गई। पुदीना थोड़ा सा लगाया हुआ, उतना ज्यादा नहीं है। टमाटर बहुत ज्यादा हो गए हैं, मेरी सोच से भी ज्यादा टमाटर हो गए। टमाटर कहाँ है? ये देखिए जरा लगे हुए। ओह वाओ, ये ओके। ये चेरी का दरख्त लगाया हुआ। ओह वाह, ये चेरी है, पर अभी इस साल पड़ी नहीं, क्योंकि मेरा ख्याल है ये अभी इतना ओल्ड इनफ नहीं है कि इसमें पड़े। और ये सनफ्लावर लगाए थे जो काफी ऊंचे तक चले गए। ये पैर लगी हुई है। ओके, और ये जो लगा हुआ ना, ये चीज, ये कद्दू लगा हुआ है। अब अभी तक कद्दू पड़ा नहीं है, लेकिन ये देखें, ये पड़ेगा। ये देखें जरा, यहाँ पर ये पड़ने के लगे। ये कद्दू है। ओके, ये कद्दू की बेलें सारी फैल गई हैं इधर बहुत ज्यादा। अब ये पड़े कद्दू पड़ेंगे तो फिर पता चलेगा। ये क्या लगा हुआ है? और ये एप्पल है, जिसपे एप्पल पड़े हैं हमारे। यस, एप्पल पड़े हुए। और वो मकई लगाई थी, पर वो कुछ अच्छी नहीं हुई इस दफा। पता नहीं इसको क्या है, कोई ठीक बनी नहीं मकई। मुझे नहीं लग रहा कि इसके ऊपर पड़े भुट्टे पड़े या ना पड़े, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये ठीक नहीं लग रही। ये था। और ये लगा हुआ है उसका हेजल नट कटरी। ओके, ये हेजल नट है। और ये सारे हर्ब्स हैं जो रुबीना को चाहिए होते हैं अपनी कुकिंग। ये सारे मैंने इसको लगा के दिए हैं। ये सारे इसके हर्ब्स। ये बेजल है, ये ओरिगानो है, इस रोजमेरी, थाइम एंड पार्सले। ये तो ओके मॉम, आप अपना काम करें तो मैं भी अपना काम करती हूँ, फिर मिलते हैं। ओके बाय बाय।